नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शिव पुराण के अनुसार फूलों को भगवान शिव की पूजा में शामिल करने से आपको मनचाहे फलों की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में इन फूलों के बारे में बताया गया है। चाहे आपके मन में सुंदर सुशील पत्नी पाने की इच्छा हो, या फिर धन प्राप्ति की इच्छा हो, या फिर कैरियर में उन्नति चाहते हो, तो इस बार इनमें से कोई भी एक फूल चढ़ाकर आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं किस फूल को चढ़ाने से कौन सी मनोकामना पूर्ण होती है। लाल और सफ़ेद आंकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही सुशील और सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। चमेली का फूल, चमेली के फूल से पूजन करने पर वाहन का सुख मिलता है। अलसी के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने से मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय हो जाता है। समी पत्रों से पूजन करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही शनि की ढैया और साढ़े साथी में भी आराम मिलता है। बेला के फूल, बेला के फूल से पूजन करने पर सुंदर और सुशील पत्नी मिलती है। जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करें तो घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करने से नए वस्त्र मिलते हैं। इसके साथ ही आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। हर श्रृंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। धतूरे के फूल से पूजन करने पर भगवान शंकर ऐसी संतान देते हैं जो आपका नाम रोशन करती है। पूरे सावन भर भगवान शिव जी को रोजाना दुर्वा अर्पित करने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और आपकी काया निरोगी रहती है। भगवान शिव को बेलपत्र, मदार, नील अकाव, नीले मदार, कनेर, धतूरे का पुष्प, शिव कटास, अपराजिता के पुष्प, समी पुष्प, शंख पुष्पी, चमेली, नाग केसर, नाग चंपा, खस, अगस, गुलर, पलाशम, केसर, कमल आदि भगवान शिव के प्रिय पुष्प हैं। शिव जी की पूजा में कुछ पुष्पों का चढ़ाया जाना शास्त्र सम्मत नहीं है। उनमें है कदम, केवड़ा, केतकी, सिरिस, अनार। पुष्प अर्पण करने की सही विधि क्या है? किसी भी देवी देवता को पुष्प अर्पण करने की एक खास विधि होती है। शास्त्र के अनुसार उसी विधि के अनुसार देवी देवता को पुष्प अर्पण करना चाहिए। पुष्प सदैव जिस अवस्था में खिलते हैं उसी अवस्था में अर्पण किए जाने चाहिए, अर्थात पुष्प का मुख आकाश की तरफ होना चाहिए। वहीं दुर्वा अपनी ओर करके अर्पण करना चाहिए एवं बिलपत्र सदैव नीचे मुख रखते हुए चढ़ाना चाहिए। पुष्प अर्पण करने से पूर्व उन्हें सूंघना नहीं चाहिए। कीड़े वाले पुष्प भगवान को अर्पण नहीं किए जाते। जिन पुष्पों में पैर छू गया हो ऐसे पुष्प भी भगवान को अर्पण नहीं किए जाते। भगवान को बासी पुष्प अर्पण नहीं किए जाते। शास्त्र के अनुसार माली के घर के पुष्पों को बासी नहीं माना जाता, अतः माली से फूल लेते समय बासी पुष्प का विचार नहीं करते। धतूरे के पुष्प शिव को अर्पण करने से संतान की प्राप्ति होती है। 1,00,000 दुर्वा अर्पण करने से लंबी आयु प्राप्त होती है। बेलपत्र से इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। जपा कुसुम से शत्रु का नाश होता है। बेला के पुष्प चढ़ाने से सुयोग्य जीवन साथी मिलता है। हर श्रृंगार से यश, कीर्ति, ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होती है। दोपहरिया के पुष्प से स्वर्ण आभूषणों की प्राप्ति होती है। लाल गुलाब, बेलपत्र और कमल के पुष्पों से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।